नमस्कार, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका ट्रैवल निशान में। अभी हम रुके हुए हैं पठानकोट के पास, थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे और आज हम निकलेंगे यहां से हिमाचल की पांच देवियों के दर्शन के लिए। तो चलिए आज ये दर्शन हम आपको पठानकोट से दिखाएंगे और आगे बढ़ते हुए जो भी चीज़ें मिलेंगी वो आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं ये जो सामने सड़क है वो जम्मू से पठानकोट की तरफ जाती है। यहाँ एक कैफेटेरिया के पास हम रुके हुए हैं। ये हमारी गाड़ी है विंगर, हम लोग 10 लोग हैं इसलिए बड़ी गाड़ी ली है। और ये चंदन वैष्णो ढाबा, यहीं पर रुकेंगे और कुछ नाश्ता करेंगे, फिर अपनी यात्रा आगे प्रोसीड करेंगे। तो नाश्ता हमारा लग चुका है। ये स्टार्टर में मैगी रखी है हमने, और ये आलू के पराठे और विद दही, और अचार इन्होंने बोला है कॉम्प्लीमेंट्री देने के लिए। तो देखते हैं खाना कैसा है, एक बार टेस्ट करेंगे। ये आप फिलिंग देख सकते हैं अंदर, जो प्याज की फिलिंग इन्होंने की है, स्टफिंग अच्छे से की है, और ये अचार जो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी है। चलिए एक बार टेस्ट करके देखते हैं। और कुल मिला के स्वाद मुझे अच्छा लगा। अब हम पंजाब पार करके और ये हिमाचल के बॉर्डर पे आ चुके हैं। सामने आप हिमाचल की गेट देख सकते हैं और यहाँ से हम हिमाचल में एंटर कर जाएंगे। तो हिमाचल में एंटर करते ही हमारे जो पहाड़ी रास्ते हैं वो शुरू हो गए हैं, और अभी हम चल रहे हैं कांगड़ा, पांच देवियों में से एक कांगड़ा देवी या ब्रजेश्वरी देवी के दर्शन के लिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ब्रजेश्वरी देवी या कांगड़ा माता के ही दर्शन करेंगे, बाकी आगे की वीडियो आप देखेंगे, पांचों देवियों की वीडियो आएंगी। तो चलिए इन्हीं रास्तों का आनंद उठाते हुए हम चलते हैं कांगड़ा की तरफ। एक लंबी यात्रा के बाद हम कांगड़ा पहुंच चुके हैं, और ये गेट जो है सामने वो मंदिर का गेट है, और इन्हीं गलियों से गुजरकर मंदिर तक पहुंचते हैं। और ये देखिए थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पे मंदिर तक जाने के लिए, और दोनों तरफ आसपास प्रसाद की दुकानें सजी हुई हैं। तो चलिए हम मंदिर की तरफ चलेंगे और दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के पुराने कांगड़ा शहर, यानी जिस शहर में कांगड़ा फोर्ट है, कांगड़ा का किला है, उसी शहर में ये मंदिर स्थित है। अभी हम मंदिर के मुख्य द्वार से मंदिर के अंदर जाएंगे और मंदिर की भव्यता को बहुत अच्छी तरह से परखेंगे, जांचेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। ये सामने पूरा मंदिर नागर शैली में बनाया गया। ये मंदिर सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था, उसके बाद समय समय पर हिमाचल के कई राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया। तो चलिए पहले माता के दर्शन करते हैं, और गर्भगृह के तरफ बढ़ते हुए हमें ये झूमर मिलता है, और यहाँ माता की सेवा में चार बाघ मिलते हैं। ये बहुत ही पुरानी शैली में मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के पूरे बनावट को आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराना मंदिर, ऐसा माना जाता है कि 5000 साल पुरानी ये मंदिर है। मंदिर के मुख्य द्वार पर ये चार बाघ जो बनाए गए हैं वो पीतल के हैं, जो माता की सेवा में हैं, और गर्भगृह में माँ ब्रजेश्वरी देवी की प्रतिमा स्थापित है जो पिंडी रूप में हमें दर्शन देती हैं। तो आइए माता के दर्शन करते हैं और उसके बाद इस मंदिर के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो ये है माता ब्रजेश्वरी देवी के पिंडी रूप का दर्शन जो गर्भगृह के अंदर है, और अभी हम गर्भगृह से बाहर निकल गए हैं। यहाँ हमें माता की चरणामृत मिलेगी, और ये देखिए पीतल के पात्र के नीचे माता की चरणामृत है, इसे ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं।
ये मंदिर जो बना हुआ है ये आधा मंदिर पुरानी शैली में जबकि आधा मंदिर नई शैली में इसका निर्माण हुआ है। ऐसा इसलिए है कि 1905 ईस्वी में यहाँ भूकंप आया था और मंदिर का ऊपरी हिस्सा जो है वो उसमें गिर गया था, फिर इसका पुनर्निर्माण कराया गया। यहाँ का ये यज्ञ हवन कुंड, बड़े बड़े अनुष्ठानों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही इसके आगे हम बढ़ते हैं हमें ये पुराना पीपल का पेड़ मिलता है जिसमें चुन्नी बांधकर लोग मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पे वो चुन्नी आकर फिर खोल देते हैं। ये यहाँ का क्षेत्रपाल मंदिर है और ये है यहाँ का तारा देवी मंदिर, जो ऐसा माना जाता है कि 1905 के भूकंप में एक अकेला ये मंदिर है जो अपने आप में बचा रह गया, इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ये भैरव मंदिर, और ऐसा माना जाता है कि जब भी कांगड़ा पे कोई विपत्ति आती है तो इस मूर्ति के आँख से आंसू और पसीने निकलने लगते हैं। यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा हुआ था और तब से माता सती माँ ब्रजेश्वरी देवी के रूप में यहाँ अपने पिंडी रूप में दर्शन देती हैं। इस नगर का यानी कांगड़ा का पुराना नाम नगरकोट भी है, तो इस मंदिर को नगरकोट देवी का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे रहने की भी सुविधा है, यहाँ के धर्मशाला में आप 300 रुपये में रात में रुक सकते हैं, 300 रुपये में आपको नन एसी कमरे उपलब्ध हो जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पे एक नया धर्मशाला भी निर्माण कराया जा रहा है जिसमें एसी और नन एसी कमरे की सुविधा आपको मिलेगी। हो सकता है कि कुछ महीनों बाद यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, तो आप यहां आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और यहां के खूबसूरत वादियों में एक दिन का सैर सपाटा कर सकते हैं। तो आज की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, गुड बाय।